क्या? हाँ, पूछ लो जाते जाते सर, बस जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट किस तरफ टेम्प्ट हो सकती है, चार सीमर प्लस जड्डू या आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आर अश्विन के जो नंबर्स हैं स्पेशली अगेंस्ट जो लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के उनके खिलाफ अच्छे हैं, मे बी आप टेम्प्ट हो जाओ, लेकिन आपको लगता है कंडीशन को देखते हुए शार्दुल की वहां पॉसिबिलिटी बन रही है प्लेइंग 11 में, आपको क्या लगता है इस पे, आपका क्या वर्डिक्ट होगा? देखिए शार्दुल का पॉसिबिलिटी है क्योंकि रोहित शर्मा को भी जब मैंने ये एक क्वेश्चन पूछा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान इस मैच को लेके स्पेसिफिकली, तो उसने कहा था कि जब भी हम बाहर खेलेंगे इंडिया से बाहर स्पेशली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में, शार्दुल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे लिए, और रोहित शर्मा जो है एज ए कैप्टन बहुत बैक करते हैं शार्दुल को, वो मुंबई में खेले हुए एक साथ तो अपना दूसरे का गेम जानते हैं, तो शार्दुल का पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो दो स्पिनर के साथ जाना चाहूंगा इस विकेट पे, क्योंकि देखिए जो अश्विन जडेजा जो है अगर इंडिया को डिफेंड करना हो गया लास्ट इनिंग्स में, तो मुझे लग रहा है कि अश्विन जडेजा का एक बहुत दुर्बला रोल हो सकता है, और दोनों ही बैटिंग में भी अपना आपको पता है कि जडेजा ने जो है अपना कमबैक टेस्ट 2018 में इसी ग्राउंड पे खेला हुआ था, उन्होंने 100 नहीं बना था रन बनाए थे उन्होंने, तो शायद तो जडेजा को, तो जडेजा इज ऑलमोस्ट देयर इन द 11, मुझे मेरे ख्याल से आई विल गो फॉर अश्विन, और ऑस्ट्रेलियन टीम में जो है बहुत सारे लेफ्ट हैंडर है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, हालांकि बॉल यहाँ पर स्पिन नहीं होगा, लेकिन अश्विन जो है बहुत क्लेवर बॉलर है, ये बाउंस को स्मार्ट ऑपरेटर, स्ट्री स्मार्ट ऑपरेटर है, बाउंस को ही कैन यूज द बाउंस, तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो दो स्पिनर बहुत, जब आपके पास ऐसा क्वालिटी स्पिनर है अश्विन जडेजा, तो आपको दोनों को ही खिलाना चाहिए। थैंक यू भाई, थैंक यू संदीपन सर, थैंक यू सो मच, आपसे कनेक्ट करता रहूंगा मैं आगे भी, लेकिन आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, और हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि संदीपन सर थ्रू आउट इस टेस्ट मैच में हमारे साथ रहेंगे, तो वहां से लाइव कवरेज देते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।